हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आप लोगों के यूटीज अब एंड हो गए हैं और आई होप आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आया होगा। आप लोग जैसी मेहनत करते हैं उसी तरीके से आप लोगों का रिजल्ट आता है। जो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो उसी हिसाब से रिजल्ट होता है बेटा। आप मेहनत अच्छी कीजिए, काफ़ी अच्छी मेहनत करिए, रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आएगा, ठीक है? क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, कभी हार नहीं होगी। अगर कम मार्क्स भी हैं तो भी नेक्स्ट टाइम अच्छे से मेहनत करके करिए, मार्क्स अच्छे आएंगे। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस ही देता हूँ। इंटरनल्स होते हैं, आप वीडियो देख लीजिए, चाहे आप बुक रीड कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपकी बोर्ड्स के हिसाब से अच्छी तैयारी हो सके। क्वेश्चंस को रटना, ठीक है, हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस को समझना हमारे लिए सही बात है। तो टॉपिक्स को समझेंगे, आंसर्स अपने आप समझ में आ जाएंगे। दिक्कत कब होती है? जब हम टॉपिक्स को समझते नहीं हैं, राइट? चलिए, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये है आपका बुक ज्योग्राफी और लेसन है आपका नंबर 5। लेसन का नाम है इंडस्ट्रीज, उद्योग, ठीक। तो देखिए, अब आप ये देखिए, सबसे पहले आपके जो आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे, जर्नी बिगिंस, ठीक है। क्या है ये? ये बहुत ही फॉन्ट साइज बहुत छोटा लिखा हुआ है, बट मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ क्या है ये। ये एक तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों से, पूछ रहा है कि क्या आपने बुक देखी है कभी। आपने बुक देखी होगी, बुक के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि आप लोगों ने नोटबुक्स यूज़ की होंगी। आप लोग करते ही हैं, स्टूडेंट्स तो नोटबुक यूज़ करते हैं। तो नोटबुक जो बनती है, एक्चुअली में नोटबुक बनती कैसे है, ठीक, कैसे नोटबुक हम तक पहुंची? नोटबुक जो है वो पेड़ों से हम बनती है, लकड़ी से बनती है, यानी कागज़ जो है वो लकड़ी से बनता है। और कागज़ जो होता है वो आप पहले उसका पेड़ को काटा जाता है, लकड़ी को काट करके उसका पल्प बनाया जाता है और एक पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद जाकर के फाइनली कागज़ बनता है। और जब कागज़ बन जाता है तो कागज़ को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको आप एक प्रोसेसिंग लेते हैं, उसको ग्लू पेस्टिंग करते हैं, फाइनली एक नोटबुक तैयार हो जाती है। हमने सिर्फ नोटबुक देखी है, नोटबुक को बनने का प्रोसेस कभी नहीं देखा। हमें नहीं पता कि नोटबुक कैसे बनी, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, राइट? तो नोटबुक की जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है कहाँ से बोला, ये देखिए, बता रहे हैं ना, ये डायग्राम, ठीक है, ये फोटो दी हुई ना, जर्नी बिगिंस, तो ये इसीलिए दी हुई है। ये यही बताने की कोशिश कर रहा है कि किताबों की कहानियाँ या नोटबुक की जो स्टोरी है वो पेड़ों से शुरू होती है, ठीक है। तो आइए आप देखिए, आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। यानी क्या मतलब हुआ इसका? सेकेंडरी एक्टिविटीज़, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो उसको मैन्युफैक्चरिंग। इससे पहले वाले चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ के आया था कि तीन तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शियरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब सॉरी प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल को बनाना, ठीक है, अच्छा, या फिर उसको कलेक्ट करना, नेचर से कलेक्ट करना, ये था प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या था? उसको प्रोसेसिंग में लेना, उसको एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना। और टर्शरी एक्टिविटीज़ में क्या आता है? उसका ट्रांसपोर्टेशन करना या फिर उससे हेल्पिंग, जो सपोर्टिंग पार्ट्स होते हैं वो, जैसे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, बैंकिंग हो गया, ठीक है, अच्छा, एडवर्टीजमेंट हो गया, वो सब टर्शरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड चैप्टर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जिसमें एग्रीकल्चर था, और आज हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड चैप्टर पढ़ रहे हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा रॉ मटेरियल को, ठीक है, और ज़्यादा वैल्यू उसकी बढ़ा दी जाती है और ताकि वो लोगों के काम आ सके। अगर मैं आपको सिर्फ कपास दे दूँ, यानी कि सिर्फ आपको रुई रुई दे दें, ठीक है,
तो क्या आप उस रुई को पहन सकते हैं? नहीं पॉसिबल है ना, ठीक है। अच्छा हाँ, उसी रुई को अगर प्रोसेसिंग में ले ले तो उससे बहुत सुंदर शर्ट बन जाती है, उसको आप पहन सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब फैक्ट्रीज़ भी अलग अलग जगह होती है, तो उनको यहाँ तक पहुँचाने का काम टर्शियरी एक्टिविटीज़ के थ्रू हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हुआ, ठीक है। अच्छा तो इस तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज़ है। तो अब आपको सेकेंडरी एक्टिविटी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करना और रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, ये होता है सेकेंडरी एक्टिविटी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग। एज यू हैव सीन, पल्प वॉज चेंज्ड इनटू पेपर एंड पेपर इनटू ए नोटबुक। दीज रिप्रेजेंट द टू स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। यानी कि आपने पल्प के बारे में सुना, पल्प देखा, तो आपने क्या जो मैंने अभी आपको बताया कि पल्प होता है, यानी कि लकड़ी से पहले पल्प बनाया जाता है और पल्प को फिर पेपर में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर पेपर को बुक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बुक में या नोटबुक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसमें आपने देखा कि यहाँ पे दो स्टेजेस आई हैं, ठीक है। एक तो है पल्प से पेपर बनाना और एक है पेपर से नोटबुक बनाना। तो यहाँ पे दो स्टेजेस आ गई। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लोथ मेड फ्रॉम कॉटन हैव हैड वैल्यू एडेड टू देम एट ईच स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। यानी कि पेपर से, पेपर बनेगा पल्प से, कपड़े बनेंगे कॉटन से, ठीक है, और उनकी जो वैल्यू है वो तभी बनेगी। अगर मैं आपके सामने सिर्फ पल्प रख दूं और कहूं कि इस पे लिख दो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि पल्प आपके किसी काम का नहीं है, पेपर आपके काम का है, ठीक है ना। अच्छा, इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटीरियल दैट इज दैट इट इज़ मेड फ्रॉम। यानी कि आप कह सकते हो कि फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू रॉ मटेरियल से ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, तो क्योंकि आपके लिए रॉ मटेरियल की कोई वैल्यू नहीं है, आपके लिए तो फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या है, देखिए आइए। ट्रेस द जर्नी ऑफ योर शर्ट फ्रॉम ए कॉटन फील्ड टू योर वार्डरोब। यानी कि अपने आसपास में, अपने आसपास में आप देखिए कि आप कैसे करके शर्ट बनने की यात्रा शुरू होती है। और मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रीवियस क्लासेस में आपने जो SST पढ़ी है उसमें शर्ट बनने की पूरे प्रोसेस बताई हुई है, ठीक है। अच्छा, तो कॉटन से कैसे कंप्लीट शर्ट बन जाती है, ये आप खुद एक एक्टिविटी करके पता लगाएं कि कैसे करके कॉटन से शर्ट बनती है, उसको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप लिखें, ठीक है। अच्छा, और हो सके तो मेरे को ग्रुप में कमेंट भी करें, अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी करें, ठीक है। चलिए आगे चलिए। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। इंडस्ट्री का मतलब है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि जुड़ी है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स से और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज से। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि सामान का बनाना, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट आउट करना, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रॉ मटेरियल्स होता है, जैसे कुछ मेटल्स होते हैं उनके ओर्स होते हैं, ओर है ना, ओर क्या होता है कि जो आप, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ओर को समझाने के लिए। जैसे आप अभी अभी आप देखते हैं एक आपके घर पर दरवाजे लगाए लोहे का, ठीक है ना। अच्छा, तो जो लोहे का दरवाज़ा लगाए, एक्चुअल में लोहे का जो दरवाज़ा है यानी आयरन का जो आप डोर कह रहे हो, वो डोर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये जब आयरन मिलता है प्रकृति से तो ये मिट्टी के जैसा लगता है, जैसे मिट्टी और पत्थर जैसा हो, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, इसमें से एक्चुअल आयरन को निकालना पड़ता है, ठीक है, और उस प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, और उसके बाद जा कर के उससे, ठीक है, उसको फिर क्या करना पड़ता है, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, तो एक्सट्रैक्शन वाले वर्ड भी समझ में आ गया होगा आपको, टर्म समझ में आ गया होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स क्या है, ठीक है। और बाद में बोल रहा है कि प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, तो सर्विसेज तो है, सर्विसेज का मतलब होगा कि आपको प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करवाना, उसके शोरूम ओपन्स करना, उसमें आपकी जैसे कस्टमर्स को बाद में कस्टमर सेटिस्फेक्शन की सर्विसेज देना, बार बार उसको रिपेयर करना, वो सब सर्विसेज में आ जाता है, ठीक है।
अच्छा उसके बाद देखिए, दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है, ये किस में आ गया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में आ गया। कोल माइनिंग इंडस्ट्री, ये किस में आ गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, यानी कि ये एक्सट्रैक्शन में आ गया। उसके अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री, ये एक सर्विस प्रोवाइडर में आता है, राइट। चलिए खैर, अब देखिए आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा अच्छा, इंडस्ट्री की डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है ना, इंडस्ट्री की डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लेंगे, यही इंटरनल्स निकल के आते हैं, फिर आप जवाब नहीं दे पाते, बस लॉजिक यही है बेटा, जो वीडियोस नहीं देखता वो जवाब नहीं दे पाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को कि आप वीडियोस देखिए, नहीं तो बुक पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सेम टू सेम जो मैं आपके सामने पेज आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इसमें जो मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ वो एक्चुअली में NCERT है, ठीक है। तो आप अपनी NCERT की बुक ले लीजिए, अगर आप नहीं ले पा रहे हैं किन्हीं कारणोंवश, तो आप NCERT का PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप इनके हिसाब वीडियो में नहीं देख पाते, कई बार कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारा इंटरनेट डाटा नहीं चल पा रहा था, कोई बात नहीं, आप PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, या फिर वीडियोस, तो ये तो हम अच्छी सुविधा ये होती है कि वीडियोस में आप अभी नहीं इंटरनेट चल पा रहा तो आप उसको दो तीन दिन बाद भी देख सकते हैं, जब आपका इंटरनेट चल जाए तब देख लीजिए। वीडियोस तो साइट पर अवेलेबल रहती हैं, आप जब भी मर्जी देखिए, ठीक है। वीडियोस का एडवांटेज ही यही होता है कि आप जब मर्जी देखिए, सवाल तो ये है कि आप देखते नहीं हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएंगी ही नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। चलिए, यानी कि उद्योगों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, साइज एंड ऑनरशिप, यानी कि इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल के बेसिस पर, साइज के बेसिस पर और ऑनरशिप के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। ये आ गया, एक टर्म बन गई आपको, इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासिफाई करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपने बताना है रॉ मटेरियल्स के बेसिस पर, साइज के बेसिस पर और ऑनरशिप के बेसिस पर, यानी कि आपका कंपनी का रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ करने वाले हो, जो आप कंपनी चलाने वाले हो, इंडस्ट्री चलाने वाले हो, उसका साइज़ कितना बड़ा है, यानी कि कितने वर्कर्स काम करते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स आप यूज़ करते हैं, और इसके अलावा ऑनरशिप क्या है, ठीक है। ये तीन तरीके से क्लासिफाई होती है। पहला है रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स पर करते हैं। इंडस्ट्रीज में बी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैराइन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स दे यूज़, यानी कि रॉ मटेरियल बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से टाइप आ जाते हैं, उसके भी फर्दर टाइप है। एग्रो बेस्ड यानी कि कृषि से संबंधित, मिनरल बेस्ड जैसे कि आप आयरन ओर वाली कंपनियां हो गई, मैराइन बेस्ड, ठीक है, यानी कि मछली पालन वगैरह करना या मछलियों को पकड़ के लाना, फिशिंग करना, ठीक है, और फॉरेस्ट बेस्ड जड़ी बूटियाँ कलेक्ट करना, लकड़ियाँ कलेक्ट करना, ठीक है, ये सब रॉ मटेरियल्स होते हैं, यानी कि ये सारा कलेक्शन हो करके इंडस्ट्रीज़ को भेजा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे अगर मैं फॉरेस्ट बेस्ड की बात करूं, तो ये जो आप जड़ी बूटियां, आप जो दवाइयां देखते हैं, ठीक है, जितनी भी प्रकार के आप मेडिसन्स देखते हैं, ये सब के सब क्या करते हैं, पहले जड़ी बूटियों को कलेक्ट किया जाता है, पेड़ पौधों को कलेक्ट किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी पूरी एक टीम होती है, उसके लिए पढ़ाई की जाती है, रिसर्च की जाती है, तो उन प्लांट्स को ही कलेक्ट किया जाता है, तो ये रॉ मटेरियल इंडस्ट्री होगी। फिर वो आगे कंपनीज में भेज दिया जाता है, कंपनी में जो साइंटिस्ट होते हैं, उसमें से जो भी आपने जड़ी बूटी की कंपनी ने परचेज़ की है अभी फ़िलहाल, ठीक है, उसमें से एग्जैक्ट क्वांटिटी जो होनी चाहिए सिर्फ उसी को वो एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, बाकी एक्स्ट्रा मटेरियल को बाहर फेंक देते हैं या फिर दूसरे किसी और काम में ले लेते हैं। तो उसमें से एक्चुअली जो मेडिसिन कंटेंट है उसको निकाल लेते हैं। अब ये तो साइंटिस्ट का काम होता है, वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, इसी तरह का काम करते हैं, और फिर उसको प्रोसेसिंग में लेकर के फाइनल मेडिसिन्स बना दी जाती है, और वो मेडिसिन्स आप देखते हो, आप मेडिकल स्टोर्स में जाते हो, हॉस्पिटल्स में जाते हो, डिस्पेंसरीज में जाते हो, वहाँ पे आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है बना हुआ, ठीक है ना। तो ये है। अच्छा, तो ये सब क्या बताया मैंने आपको एग्जांपल, ये रॉ मटेरियल्स है, ठीक है। अच्छा, यानी कि रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, इसमें कौन कौन सी आ गई, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैराइन बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड, है ना। अच्छा, अब देखिए आगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल्स। एग्रो बेस्ड में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि पौधे और एनिमल्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्लियर होगी बात, ठीक है।
अब आपको एग्जांपल समझ में आ गए कौन कौन से बताए मैंने, ठीक है। देखिए, फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल्स, ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जांपल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, राइट। ठीक है, ये इंटरनल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज, ये जो प्रोडक्ट बनेंगे ये अदर इंडस्ट्रीज में काम आने वाले हैं। आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। आयरन बनेगा आयरन ओर से, ठीक है। अच्छा, तो ये कौन सी हो गया, ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आ गया, क्योंकि आपने आयरन लिया ना, तो आयरन क्या है, मिनरल एक, तो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। आयरन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बनता है, स्टील बनता है, ये सब किस में आएंगे, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आएंगे। दिस इज़ यूज्ड एज रॉ मिनरल्स और रॉ मटेरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स सच एज हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे कोचेस। इसका इस्तेमाल फिर बाद में, ये जो रॉ मटेरियल निकल के आया आयरन, इसका इस्तेमाल फिर अदर मैन्युफैक्चरिंग करने में आएगा, अदर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने में आएगा, जैसे कि हैवी मशीनरीज बनाने में, बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने में, रेलवे कोचेस बनाने में, राइट। अच्छा, मेराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशंस एज रॉ मटेरियल्स, यानी कि समुद्रों से मिलने वाला जो रॉ मटेरियल है उसका इस्तेमाल, ठीक है, मेराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज में होगा। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल, आपने सी कॉड, ओ सी कॉड लीवर ऑयल करके एक प्रोडक्ट आता है, सी कॉड लीवर ऑयल करके एक प्रोडक्ट आता है मार्केट में, ठीक है। ये एक मेडिसिन होती है जो कि फिश से बनी होती है, ये बहुत बड़ा सोर्स होता है विटामिन ए का, जिन लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए का सोर्स है ये, कौन, ये जो फिश ऑयल बोल रहा है, ठीक है। कॉड लीवर ऑयल होता है, एक्चुअली में कॉड नाम की एक मछली होती है, उसके लीवर से ये तेल बनता है, ठीक है। तो ये एक दवाई होती है और विटामिन ए का बहुत बड़ा सोर्स है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए खासतौर पर यूज़ होता है, जिनको दिखता नहीं है, ठीक है, रात के समय पर जिनको नहीं दिखता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं दिख पाता अंधेरा होते ही, तो उन लोगों के लिए काम आता है ये, ठीक है। अच्छा, तो अब आप समझ गए होंगे कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज से भी दवाइयाँ बनती हैं, ठीक है। इसके अलावा फूड भी बनता है। अच्छा, उसके बाद देखिए, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल्स, यानी कि फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती हैं उसके अंदर फॉरेस्ट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लकड़ियाँ हो गई, प्लांट्स हो गए, लीव्स हो गई, वुड हो गया, ये सब इस्तेमाल होता है। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स, ठीक है। अच्छा, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज पर आधारित हैं कौन कौन से, पेपर इंडस्ट्री, क्योंकि लकड़ियाँ नहीं होंगी तो पेपर नहीं बनेगा, फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स का मतलब होता है दवा, दवा बनाने वाली कंपनियाँ, उसको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, फर्नीचर्स एंड बिल्डिंग्स, राइट। अच्छा, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग्स के अंदर क्या लगता है, लकड़ी का सामान लगता है बहुत ज़्यादा, है ना, आपके घर में भी लगा होगा, ठीक है, डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, ठीक है, तो ये सब किससे बने, लकड़ी से बने, तो इसके लिए भी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज ही इसमें काम करती है। एक्टिविटी, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, अब आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का कुछ एग्जांपल दीजिए, इसको आप, ये एक एक्टिविटी है, ठीक है, इसको आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, ठीक है। अब साइज़ के आधार पर कौन कौन सी कंपनी होती है, आइए देखिए बात करते हैं। देखिए, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी कि साइज़ का मतलब है कि कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, मनी, कितनी पूंजी लगाई है, कैपिटल मतलब पूंजी, ठीक है। कैपिटल का मतलब यहाँ पर राजधानी नहीं है, हर शब्द के अलग अलग मतलब होते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल शब्द का मतलब क्या है, पूंजी, यानी धन कितना लगाया। अच्छा, कितना धन इन्वेस्ट किया है। नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, यानी कि कितने कर्मचारी काम करते हैं, एम्प्लॉयड यानी कर्मचारी। एंड द वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कितना सामान आप बनाते हैं, ये होता है साइज, ठीक है। अच्छा, बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इसके बेसिस पर स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज डिवाइड की गई हैं। इंडस्ट्रीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जब आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं,
ठीक है। अच्छा, तो वहाँ पर आप देखते हैं, वहाँ पर ख़ास तौर पे जो वेल डिज़ाइंड इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, ठीक है, जो प्रॉपर इंडस्ट्री एरियाज़ मिलेंगे आपको, जो गवर्नमेंट डिज़ाइन करती है, जैसे कि आपका हरिद्वार के अंदर सिडकुल करके है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आपका जयपुर के अंदर भी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पानीपत में ऐसा नहीं है, वेल डिज़ाइंड गवर्नमेंट डिज़ाइंड इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना बसा हुआ है। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ क्यों नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना है, ठीक है। ये तो आप आज़ादी से पहले ही आज़ादी से भी पुराना शहर बसा हुआ है, ठीक है, और ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने के लिए फेमस है, ठीक है। कॉटन और आपका जो भी आपका वुलन क्लोथ्स बनते हैं, ठीक है, कंबल वगैरह जो होते हैं उसके लिए फेमस है ये आपका पानीपत। तो ये काम यहाँ पे आज से नहीं हो रहा, ये काम यहाँ पर आज़ादी से भी पहले से हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है प्रॉपर डिज़ाइनिंग नहीं की गई, ठीक है, जो पुराना चल रहा है उसी तरीके से काम चल रहा है अभी तक। बाकी आप अच्छे और जगह जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर आप वेल डिज़ाइंड है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, लुधियाना के अंदर डंडारी कला इंडस्ट्रियल एरिया है, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। आपका हरिद्वार के अंदर सिडकुल है, ठीक है, उसका यानी कि प्रॉपर इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया, गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया और इंडस्ट्रियल उनके लिए वहाँ पे सड़कें बनाई गई, प्लॉट्स की कटिंग की गई, उसके बाद वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी गई जो है, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पर इनवाइट किया गया कि आप आइए और यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाइए, हम आपको ये गवर्नमेंट ऑफ़र देती है, हम आपको ऐसे ऐसे करके ये करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और तब वहाँ जा करके कंपनियाँ सेटअप होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मेन होता है ट्रांसपोर्टेशन, आने जाने का रास्ता, जो कि बहुत अच्छा और बड़ी सड़कें होती हैं जिससे कि कंपनियाँ आ जा सके, उनका वेस्ट निकलने के लिए रास्ता होता है ताकि वेस्ट निकल सके, ठीक है, उसको डंपिंग जोन बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट सेटअप करके देती है पूरी तरीके से, ठीक है। अच्छा, तो वहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं आपको इंडस्ट्रियल एरिया की बताऊँ तो वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर दो जोन होते हैं, एक होता है स्मॉल इंडस्ट्री जोन, एक होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री जोन। तो मैं आपको जैसे एग्जांपल दे रहा था कि अलग अलग जगह पर, तो अब आप समझ ही होंगे कि लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे देखिए, इंडस्ट्रीज वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड बाय द आर्टिशंस, बास्केट वेविंग, पॉटरी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स आर एग्जांपल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि क्या बता रहा है यहाँ पर, कैसे काम होगा, एक तो हाथों से काम होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है तो हाथों से काम होगा। यहाँ पर कौन काम करेंगे, यहाँ पर आर्टिस्ट काम करते हैं। आर्टिस्ट का मतलब होता है जो अपने हाथों से कला दिखाता है, अपने हाथों की कला दिखाता है और उससे काम करता है, ठीक है। अच्छा, तो उनको क्या बोल रहा है, आर्टिशंस। अच्छा, जैसे एग्जांपल भी दे रहे हैं यहाँ पर, बास्केट वीविंग इंडस्ट्री, ठीक है। अच्छा, बास्केट बनाने वाली जो होता है ना, टोकरियाँ बनती हैं, तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। पोटरी, ठीक है। अच्छा, पोटरी का मतलब क्या होता है, आपका मिट्टी के बर्तन बनाना, अदर हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब एग्जांपल हो गए, ये कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल हो गए, और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का भी एग्जांपल है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ यूज़ लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी as compared to large scale industries that produce large volumes of products. अब क्या मतलब हुआ इसका, small scale industries जो होती है इसमें कम पूंजी लगती है, क्योंकि small scale industry है। देखिए यहाँ पर आया ना point, lesser amount of capital and technology, ठीक है, as compared to large scale industries, उनके मुकाबले में कम पैसा लगता है, ठीक है, लार्ज स्केल के मुकाबले में कम पैसे में शुरू हो जाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। अच्छा, और ऑब्वियसली जब आप महंगे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपने कम पूंजी लगाई है, तो वॉल्यूम भी क्या होगा प्रोडक्शन का, कम होगा, ठीक है, कम मात्रा में सामान बनेगा, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज़ सुपीरियर, ठीक, इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आप समझ गए होंगे बात कि इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स क्या है, हायर है, यानी कि ज़्यादा पूंजी लगेगी, ठीक है। अच्छा, और जो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करेंगे, सुपीरियर टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। अब आप हाथ से नहीं बना सकते क्योंकि आपने बड़े स्केल पर बनाना है, आपको मशीन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। सिल्क वेविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज,
प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, क्योंकि सिल्क का काम करना है, इसमें 10, 12, 15 लोगों से काम शुरू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी मशीन से काम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। अच्छा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी क्या होता है, छोटे स्केल पर शुरू हो जाती है। बट जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, मशीनरी जैसे रेलवे कोचेज का बनाना, ये आपको क्या लगता है कि इसमें 4-5 लोगों से काम बन सकता है? नहीं बन सकता, ठीक है, इसमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है। चलिए आगे देखते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट है ऑनरशिप बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर पिक्चर भी देख लीजिए आप, देखिए क्या लिखा है, फिगर 5.1 स्टेजेस इन फूड प्रोसेसिंग ऑफ गुरगांव नट, यानी कि मखाना, ठीक है, मखाना बनाने की इंडस्ट्री है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर अब ये कौन सी इंडस्ट्री होगी, मखाना बनाने वाली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आप बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, ऑनरशिप बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये थर्ड टाइप है। ऑनरशिप बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, यानी कि ऑनरशिप के बेसिस पर इंडस्ट्रीज को आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया है। कैसे क्लासिफाई किया है, एक तो प्राइवेट सेक्टर में क्लासिफाई किया है, स्टेट ओन्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है, सेकेंड टाइप हो गया ज्वाइंट सेक्टर, और थर्ड होता है कोऑपरेटिव सेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका नहीं सॉरी फोर्थ होता है ना, तो चार तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं ऑनरशिप के बेसिस पर। अब देखिए वन बाय वन पढ़ते हैं इनको क्या होता है। प्राइवेट सेक्टर की बात पहले करते हैं, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। प्राइवेट सेक्टर नाम से समझ में आ रहा है कि जिसमें मालिकाना हक किसी एक इंडिविजुअल का या फिर 5-6 जन मालिक बन करके काम करेंगे, इस पर किसी भी सरकार का कोई हक नहीं होने वाला, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे कि आपका आप देखते हो, आप PVR सिनेमा हॉल्स देखते हो, ठीक है। अच्छा, आप जो हैं आपके पानीपत के अंदर ही आप बहुत सारी कंपनियां देखते हो, ये सब क्या है जो ब्लैंकेट्स बनाती हैं, सब प्राइवेट ओन्ड इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि खुद की कंपनियां चलती हैं, अपने पैसों से कंपनियों को चलाते हैं। अच्छा, द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं ये किसके द्वारा चलाई जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, BHEL, ठीक है। अच्छा, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड्स, ठीक है, जो कि हरिद्वार में लगा हुआ है। अच्छा, और उसके अलावा आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड्स जो कि इंडिया के लिए प्लेन्स बनाता है, जेट्स बनाता है, ठीक है, एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये स्टील कंपनी हो गई। अच्छा, ये सब कौन सी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट ऑन कंपनियां हैं। चलिए आगे देखते हैं, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है ये क्या होती है, ये ज्वाइंट नाम से समझ में आ रहा है, इसमें दो चीज़ें मिलकर करती हैं काम, एक तो करेगी स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा इंडिविजुअल पर्सन करेगा, ठीक है, तो दो मिलके काम को करते हैं, गवर्नमेंट और प्लस इंडिविजुअल्स। जैसे कि एग्जांपल क्या है, मारुति उद्योग लिमिटेड इज़ एन एग्जांपल ऑफ ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। आपको बता दूं कि जो मारुति उद्योग लिमिटेड है, ठीक है, इसका प्लांट गुड़गांव में लगा हुआ है, मानेसर नाम की जगह में, और मारुति उद्योग लिमिटेड जो है इसमें जो गांधी फैमिली है, ठीक है, राजीव गांधी, संजय गांधी, ये सबसे पहले इस इंडस्ट्री को यहाँ इंडिया में लेके आए थे, और सुजुकी के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया, जो कि कहाँ की कंपनी है, जापान की कंपनी है, तो वो कंपनी यहाँ इंडिया में आई, ठीक है, गांधी फैमिली ने अपना पैसे लगाए और प्लस गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, तो ये मारुति उद्योग लिमिटेड क्या बन गया, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री होगी। आगे समझ में बात, नेक्स्ट चलते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज में कौन कौन होता है, मालिक खुद प्लस वर्कर्स खुद मिल करके कंपनी लगाते हैं, ठीक है, यानी कि कोई एक मालिक नहीं है, जिसको आप मालिक कह रहे हो एक्चुअली में एक चलाने वाले हो गए, तो जो वर्कर काम कर रहे हैं वो भी मालिक ही है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। जैसे कि एग्जांपल क्या दे रहे हैं, आनंद मिल यूनियन लिमिटेड,
एंड सुधा डेयरी आर सक्सेस स्टोरीज ऑफ आ कोऑपरेटिव वेंचर्स, यानी कि कोऑपरेटिव सेक्टर्स इंडस्ट्रीज के एग्जांपल बता दिए ना आपको, आनंद मिल्क यूनियन, ठीक है, अच्छा, और सुधा डेयरीज, ये एग्जांपल हो गए। तो ये तो थे आपका आज के हमारे टॉपिक्स। आज की वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियोज़ को देखते रहिए, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।